टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ न पाया। लोटा लोटा किसने उसको ऐसे लोटा कि फिर उड़ ना पाया। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। हम तो कह रहे हैं बहुत बड़ी खबर नहीं बल्कि एक चौंकाने वाली खबर के बारे में बात करेंगे कि जो केवल कोरोना काल में ही संभव है, अर्थात ऐसी खबरें ऐसी चीज़ें सिर्फ कोरोना वायरस ही दे सकता है, चाहे वो EVB हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर कोई और चीज़ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जिस भी फील्ड की बात करें, चौंकाने वाली खबर इस समय सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस ही दे रहा है। तब आप सोच रहे होंगे कौन सी ऐसी खबर है जो चौंका देगी, तो चलिए अब मैं आपको उस बात को भी प्रूफ सहित बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है इसी में एक चौंकाने वाली खबर है। आप ज़रा पूरा वीडियो शुरू अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। क्या लगी यहाँ पर हेडिंग, EVB अंतिम वर्ष के 10,591 छात्र छात्राएं हुए प्रमोट, जारी किया गया परीक्षा परिणाम। EVB में स्नातक के सर्वाधिक 51.45% छात्र छात्राएँ द्वितीय श्रेणी में किए गए प्रमोट। जी हाँ, ये यहाँ पर एक बड़ी खबर है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली खबर क्या है वो ज़रा यहाँ पर देखिए। एक परीक्षा से पूरा हुआ 3 साल का पाठ्यक्रम, मतलब एक ही परीक्षा देने पर बच्चे 3 साल पास हो गए, और ऐसा EVB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हुआ है। लोग कहते ना ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा पहली बार हुआ है 140 सालों में। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक बार परीक्षा दे दीजिए, बाकी आप अगले 2 साल पास कर दिए जाएंगे। मतलब यहाँ लिखा है वीवी के पिछले साल स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया गया था, और इस बार तृतीय वर्ष के छात्रों को दोबारा प्रमोशन मिला। इन छात्रों को प्रथम वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रमोशन दिया गया है, यानी छात्रों ने प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर 3 वर्ष के स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। अब जो बच्चे इस समय अभी फंसे हुए हैं वो यही मना रहे होंगे कि काश 2 साल पहले हम भी मतलब कि जन्म ले लिए होते तो ये कोरोना वायरस हमारा भी उद्धार कर देता। खैर, वीडियो जैसा भी लगा हो आप लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।